मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? 20 दांत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख में। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? हार्वे ने। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं? धमनी। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? रक्तदाब घटता है। मानव रुधिर का पीएच है 7.4। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 80%। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च। मानव के अमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। X है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पाइरूविक अम्ल। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत।